केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.14 है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों इसको पढ़ेंगे और फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू बैठाएंगे, आसानी से सॉल्व होगा और आप खुद देख लीजिए, है ना। कहता है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिकेज ऑफ कार्बन 14। कहता है कार्बन का आइसोटोप है बच्चों, है ना, C14C6 एंड C6C2। कार्बन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इज 5730 यानी हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ इसका ऑफ लाइफ दिया हुआ है 5730 ईयर, है ना। और हाफ लाइफ दिया हुआ है तो रेट कांस्टेंट आसानी से आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, यानी के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 5730। अगर पॉइंट काटते हैं तो 30 आ जाता है, 30, है ना, और 30 आ जाता है तो इसको लिखेंगे 693 डिवाइडेड बाई 5731234 यानी -4, है ना। अब बच्चों इसको काटना है, काटना है तो कैसे काटेंगे, एक से डिवाइड करेंगे, वन से, है ना, वन से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या बच जाएगा, लगभग बच जाएगा 1/8, है ना, यानी पॉइंट देंगे 1.5, यानी 1.5 कुछ आ सकता है, आप देख लीजिएगा एंड कैलकुलेशन तो करना आपका काम है। ईयर इनवर्स, है ना। अब बच्चों आपका के निकल गया, अब कह रहा है फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली एस्टीमेट द एज ऑफ द सैंपल। यहाँ कह रहा है वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन द लिविंग ट्री, यानी 100 था उसमें 80% रिमेनिंग आपका बच रहा है, यानी 20% जो है डिस्ट्रॉयड हो, है ना। और उसके बाद पूछ रहा है एस्टीमेट द एज, है ना, यानी टी का फॉर्मूला टी बराबर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के, है ना, डिवाइडेड बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, है ना। अब यहां करेंगे बच्चों 2.303, यहाँ जो है बच्चों आप निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट बैठा भी सकते हैं, यहाँ अगर हम नहीं बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय ऊपर चला जाएगा 5730 और लॉग 100 बाई क्या हो जाएगा 80, है ना, 80। अब यहाँ से करेंगे एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, आ इसको अगर कैंसिल करना हो पॉइंट पॉइंट, अरे काट दीजिए 3.3 से, यानी आपका आ गया 3.3 × 5730, और यहाँ लॉग कर दीजिए 5 − log 4, बाकी कैलकुलेशन तो बच्चों आप आसानी से कर ही सकते हैं। यही रहा बच्चों आपका 4.14 का सॉल्यूशन, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट को प्रॉब्लम को लिखते हैं, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को एक दो बार जरूर पढ़े। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है,
Will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16 value? कहता एक ग्राम है तो एक ग्राम घट के 1/16 ग्राम वैल्यू बच रहा है, तो कहता है कि उसको घटने में कितना समय लगा, है ना, टोटल टाइम पूछ रहा है, जबकि रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ है। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आप देखिए समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले अगर रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स है, तो इससे क्या निकालेंगे, स्वाभाविक है हाफ लाइफ आप निकालिएगा, हाफ लाइफ होता है 0.693/k60, पॉइंट काटेंगे 30, है ना। अब यहां करेंगे 693/6 0.00×10^-2, ये तो हो गया बच्चों। अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी एक से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, बच जाएगा 93, यानी फिर 1 से डिवाइड करेंगे बच जाएगा, यानी हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1.15×10^-2, क्या हो जाएगा सेकेंड, है ना, हाफ लाइफ निकल गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, एक ग्राम था, है ना, एक ग्राम से आधा हुआ 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम, इसमें टाइम कितना लगा, 1.15×10^-2, है, 1 ग्राम 1/2 यानी हाफ से फिर हाफ हुआ 1/4 ग्राम, फिर टाइम आपका क्या लगा, 1.15×10^-2, है ना, 1/4 का फिर आधा होगा यानी 1/8, फिर टाइम लगेगा 1.15×10^-2, 1/8 का चुकी 1/ रिड्यूस होकर के 16th हो रहा है ना, फिर टाइम लगेगा 1.15×10^-2। अब बताइए बच्चों टोटल टाइम कितना लगा, 1, 2, 3, 4 इसमें गुना कर दीजिए, 1.15×10^-2 × 4 एंड 1, 2, 3, 4, अब जोड़ दीजिए 4.60×10^-, यहां लिख दीजिए 4.60×10^-2 सेकेंड, यही तो आपका आंसर हो गया, कितना आसान है। यहां खुद कह रहा है कि रिड्यूस होकर के, मान लिया 1 ग्राम है तो 1 ग्राम रिड्यूस होकर के 1/16 पार्ट बच रहा है, और प्रत्येक रिड्यूजन हाफ होने में जो हाफ लाइफ लगता है ना, तो टोटल लाइफ को जोड़ लीजिए, टोटल लाइफ को जोड़ने के बाद ये आया आंसर, है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, जो भी न्यूमेरिकल हो कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में उसको सोल्व करके आपको दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।